संतोष हियर, वेलकम बैक टू माय चैनल पैशन फॉर सोशल साइंस। आई होप ऑल माय वीडियोस हेल्प यू टू मेक सोशल साइंस इजी टू स्टडी एट होम। ओके, यस्टरडे वी डिस्कस अबाउट चैलोलिथिक कल्चर, टुडे माय टॉपिक इज ट्रेड एंड कॉमर्स ऑफ चैलोलिथिक टाइम पीरियड। ओके, नाउ वी स्टार्ट ट्रेड एंड कॉमर्स। द चैलोलिथिक कम्युनिटीज ट्रेडेड एंड एक्सचेंज मटेरियल्स विद अदर कंटेम्प्रेरी कम्युनिटीज। इन सिंपल वर्ड्स वी से दैट टाइम ऑफ ह्यूमन बींग नॉट ट्रेडेड लाइक एस वी दे नॉट यूज मॉनिटरी। फॉर एग्जाम्पल दैट टाइम पीपल एक्सचेंज गुड्स, मेटल्स, ग्रीनरी, कॉटन एंड मेनी अदर थिंग्स लाइक सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। एज वी डिस्कस इन प्रीवियस फेज दे लिव इन ग्रुप्स, फैमिली कॉन्सेप्ट स्टार्ट, सोसाइटी कॉन्सेप्ट ऑल्सो स्टार्ट दैट टाइम एंड पीपल लिव इन डिफरेंट कम्युनिटीज एट डिस्टेंट प्लेसेज। दैट्स वाई दे स्टार्ट कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सचेंजिंग गुड्स टू ईच अदर। दिस टाइप ऑफ एक्सचेंजिंग गुड्स गिव कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिंग, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। सेकेंड पॉइंट, अ लार्ज सेटलमेंट सर्विस एज द मेजर सेंटर्स ऑफ ट्रेड एंड एक्सचेंज। सम ऑफ दैम वर आहार, गिलंट, नागाडा, नवतोली, ईरान, प्रहास, रंगपुर, प्रकाश, दायमाबाद, इनाम गांव। द आहार पीपल सेटल क्लोज टू द कॉपर सोर्सेज एंड वर यूज टू सप्लाई कॉपर टूल्स एंड ऑब्जेक्ट टू अदर कंटेम्प्रेरी कम्युनिटीज इन मालवा एंड गुजरात। इन सिंपल वर्ड्स वी से दैट द आहार पीपल और कम्युनिटीज फोकस ऑन कॉपर सोर्सेज। दे एक्सपोर्ट और सप्लाई कॉपर टूल्स ऑब्जेक्ट्स टू अदर कम्युनिटीज पीपल, फॉर एग्जाम्पल इंस्ट्रूमेंट, इक्विपमेंट्स, यूटेंसिल्स एक्सेट्रा टू अदर कम्युनिटीज पीपल बाई एक्सचेंजिंग विथ अदर गुड्स। मोस्ट ऑफ द कॉपर एक्सेस हैव अ मार्क एम्बेडेड ऑन इट विच फाउंड इन मालवा, जॉर्वे एंड प्रहास कल्चर। देयर आर ट्रेडमार्क्स ऑन देम विच इंडिकेट दैट हु मेड देम, इट इंडिकेट ऑन देम, फॉर एग्जाम्पल लाइक स्मिथ। इट इज़ फाउंड द कोन सेल फॉर बैंगल्स वॉज ट्रेडेड फ्रॉम सौराष्ट्र कॉस्ट टू वेरियस अदर पार्ट्स ऑफ द चैलोलिथिक रीजन। That time, human beings found cone cell, which used for making bangles, the bangles which we wear in our hands. Gold and ivory come to Jorve people from Tekalkota in Karnataka. Ivory means a animal teeth, which used for making jewelry. And semi-precious stone, which means a stone like diamond, ruby, and many other stones. May have been traded to various parts from Rajpipla in Gujarat. Inam Gaon pottery has been found at several sites located far away. This so that the Jorve people used to trade even the pottery to distant places. Wheeled block carts were used for long distance trade beside the river transport. The drawing of wheeled bullock carts have been found on ports. In simple words, we say that it indicate that time of people travel from one place to another by using bullock cart, and this bullock cart used for trading, exporting. In simple words, we say that it carry goods from one place to another. It is a very important point, they trading with each other by exchanging concept. Okay, thank you very much for watching my video. Okay, bye bye, see you again.